जयपुर के झालाना में आज राजस्थान खटीक समाज महासमिति की ओर से बनने वाले बालिका छात्रावास का शिलान्यास समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया, विधायक बाबूलाल नागर और खटीक समाज महासमिति के अध्यक्ष भगवान सहाय परिडवाल समेत कई लोग मौजूद रहे। इस दौरान सांसद ने कहा कि बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने की दिशा में इस छात्रावास का निर्माण किया जा रहा है। वहीं विधायक बाबूलाल नागर ने कहा कि छात्रावास के निर्माण होने के बाद बेटियों को बेहतर शिक्षा मिल सकेगी। बालकों की छात्रा के योगदान के लिए महत्वपूर्ण कार्य किया है। समाज का प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो 100 रुपए दे चाहे लाखों रुपए दे, समाज के अंदर शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए और समाज की कुरीतियों को समाप्त करने के लिए कर रहे हैं। आज समाज की बालिकाएं और बालक दोनों मिलकर उन्नति कर रहे हैं। आशा करते हैं कि समाज का प्रत्येक व्यक्ति, समाज की प्रत्येक गरीब बालक और बालिका को अपना परिवार मानकर उनका सहयोग जैसा कर रहे हैं ऐसा आगे करेगा। हम सब मिलकर समाज की उन्नति में, देश की उन्नति में एक साथ मिलकर काम करेंगे। अभी संस्था ने एक नया कदम उठाया है कि हमारे जो राज्य स्तर की जो भी प्रतिभाशाली बेटियां हैं, अगर वो कोचिंग करना चाहती हैं, उच्च स्तर का अध्ययन करना चाहती हैं, तो जयपुर में रहकर उनको निवास की कोई परेशानी नहीं आए, तो इन्होंने विस्तार किया है। आज के इस दौर में अगर बालिका पिछड़ती है तो मान के चलो एक घर नहीं, दो घर पिछड़ते हैं, और एक बालिका शिक्षित होती है तो एक घर नहीं, दो घर शिक्षित होते हैं। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने ये बेड़ा उठाया। इसका बनाने का ध्येय वो समाज के लोगों के द्वारा इसका खर्चा वहन किया जाएगा और कम 106 के करीब बच्चियाँ होंगी जिनकी सेपरेट होगी। 4 मंजिला ये इमारत बनेगी। इस तरीके से हम बालिकाओं के लिए एक आधुनिक सुविधा युक्त हॉस्टल बनाने जा रहे हैं।